रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया समारोह का उद्घाटन। इस दौरान केंद्रीय खेल राज्य मंत्री नितिन प्रमाणिक भी रहे मौजूद। महोत्सव में रांची के 3000 से अधिक खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में 6 प्रकार के खेलों से जुड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, जिसमें बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी को शामिल किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 650 से अधिक मेडल और ट्रॉफी प्रतिभागियों को वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे देश भर में खेल को लेकर काफी संभावनाएं हैं, जरूरत है एक प्लेटफॉर्म देने की। तीन दिवसीय महोत्सव के लिए 3087 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में रांची लोकसभा क्षेत्र के 17 प्रखंड और 53 वार्डों का प्रतिनिधित्व होगा। लगभग 200 पंचायतों से खिलाड़ियों की सहभागिता होगी। सांसद खेल महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक देखने को मिलेंगी। समापन समारोह का कार्यक्रम 19 फरवरी को दोपहर 2 बजे से होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।